विपक्षी दल बीजेपी द्वारा रोजगार के सवाल पर लगातार हो रहे हमलों के बाद राज्य सरकार के मंत्रियों ने भरोसा जताया है कि राज्य में खाली पड़े पदों को जल्द भरने का काम किया जाएगा, बशर्ते कि फिर से कोरोना बाधक ना बने। राज्य सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कार्मिक विभाग नया नियमावली तैयार कर रहा है। समय है अभी पूरा करने का, ये वादा कहाँ किया था कि आते आते आठ दिन में कर देंगे, ऐसा तो नहीं था। समय रहेगा, नौकरी देने में समय रहेगा, समय लगता है। अभी देखिए, अभी हम लोग तुरंत शुरू करेंगे, जल्दी शुरू होगा जेपीएससी के द्वारा भी और जो नीचे की नौकरी है उसके द्वारा भी शुरू कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, जल्दी से जल्दी शुरू होगा। और आपको लगेगा अगर कोरोना फिर नहीं आ गया तो, थर्ड वेव नहीं आ गया तो हो जाएगा तो ऑफिस बंद हो जाएंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन नहीं हुआ, अगर समय प्रतिकूल नहीं अनुकूल रहा तो हम आगे बढ़ेंगे। युवाओं का कहना उचित है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जो दृढ़ संकल्प है बहुत मजबूत है, लेकिन नियुक्ति खा गया है कोरोना, दिन रात करोना। इसीलिए अभी कुछ दिन पहले ही ऑफिस खुला है तो सारे ऑफिस तो बंद था, कैसे प्रक्रिया होगा? सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी कर देंगे सो तो बात नहीं है, प्रक्रिया में जाना है। जब तक कार्यालय सचिवालय सुचारू रूप से नहीं चलेगा तब तक नियुक्ति प्रक्रिया होगा कैसे? बहुत जगह खाली है, मेरे शिक्षा विभाग में खाली है, शिक्षा विभाग में निकला अभी कुछ वैकेंसी निकला है। रोजगार का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि सरकार के जैसे ही नई सरकार गठन हुआ, चंद दिनों में कोविड-19 का प्रकोप पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, उससे हम बहुत छूता नहीं। और जो राज्य सरकार ने जो वादा किया है सभी वादा को पूरा करेगी, लेकिन अभी 2020 और 2021 बचने और बचाने का दौर चल रहा था, और अभी भी ऐसा नहीं कि कोविड खत्म हो गया।